सीधी के संजय गांधी कॉलेज में चुनावी सभा के मंच में भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तीखा प्रहार किया है। देश में जाति की राजनीति कर भेदभाव फैला रहे हैं दोनों सरकार। सीधी से राजू गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। साथ ही समाचार को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अच्छे हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपको बंदर भगाने हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ो, तो उन्होंने कोई काम तो किया नहीं है तो नाम ही बदलेंगे। हम तो ये ताज्जुब कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में वो भी आए हैं, वो मुख्यमंत्री जो शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं, अपना काम तो है नहीं उनके पास। जिले की जनता को आप क्या कह के जाना चाहेंगे? मैं सीधी की जनता से अपील करूंगा कि समाजवादी लोगों ने हमेशा बड़े काम किए हैं, चाहे सड़क बनाने की बात हो, चाहे अस्पताल बनाने की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बड़े काम हुए हों, और चाहे नौजवानों को नौकरी और रोजगार के इंतजाम के लिए बड़े काम हों। चलिए ठीक है, मैं समझता हूँ जब तक बड़े काम देश में नहीं होंगे तब तक सब लोगों को खुशहाली के रास्ते पे नहीं जाएगा। मैं आपसे ये कह सकता हूँ, ये बीजेपी की चाल है कि लोग झगड़ा करें, और जब झगड़ा करेंगे तो बीजेपी को लाभ होगा। बीजेपी के पास फार्मूले हैं कि जातियों में कैसे लड़ा दें, धर्म से कैसे लड़ा दें, उसी फार्मूले के तहत उन्होंने काम किया। पहले एक एफिडेविट लगाया, फिर दूसरा एफिडेविट लगाया, और फिर पार्लियामेंट से क्या पास किया। ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से और ध्यान हटाने के लिए काम करती है।